आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं किसी फिल्म नाम चेहरे हस्ती गाने ट्रेलर का आईना जो होते हैं उनके दर्शक जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट के जरिए अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार आज हम किसका आईना आपके लिए लेकर आए हैं। तो बताना चाहेंगे कि आज हम मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म बैरी कंगना 2 के ट्रेलर का आईना लेकर आए हैं जो बीते दिन पहले एंटरटेन म्यूजिक से रिलीज किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बैरी कंगना का ट्रेलर तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो वो ट्रेलर नहीं टीजर था जनाब, जिसमें आधी कहानी का पता भी आपको नहीं लगा होगा। तो अगर आप लोग कहानी का पता लगाना चाहते हैं फिल्म रिलीज होने से पहले तो अभी जाइए एंटरटेन म्यूजिक पर, आप लोग बैरी कंगना 2 का ट्रेलर जरूर देखिए। लेकिन फिलहाल बताना चाहेंगे कि आने वाली 6 जुलाई को आप लोग इस फिल्म को बिहार झारखंड के सिनेमाघर में भी आसानी से देख सकते हैं। बैरी कंगना 2 का ट्रेलर जादू मंत्र तंत्र पर बना हुआ है। फिल्म बैरी कंगना 2 का जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है अशोक श्रीवास्तव, डायरेक्टर हैं अशोक त्रिपाठी अत्री और स्टार कास्ट है रवि किशन, काजल राघवानी, सुभी शर्मा, अवधेश मिश्रा, कुणाल सिंह और सपना चौधरी, उमेश सिंह। म्यूजिक डायरेक्टर है मधुकर आनंद और सपना चौधरी के लटके झटके आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो हम इस फिल्म से ही जुड़े कुछ आलोचना भरे कमेंट्स और कुछ सकारात्मक कमेंट्स लेकर आए हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस फिल्म से जुड़ी एक खास जानकारी पर। देखिए, अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने जब से एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन का काम शुरू किया है, तब से उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कई सारी सुपरहिट फिल्में बनने लगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में रवि किशन की फिल्म बैरी कंगना 2 रिलीज होने वाली है। हालांकि इस फिल्म का निर्माण रवि किशन के प्रोडक्शन हाउस से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ इस फिल्म का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म का फुल ट्रेलर बीते दिन पहले रिलीज किया गया है एंटरटेन म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से, जिसे अभी तक 26 लाख लोगों ने 2 दिन में देखा है। इस फिल्म में रवि किशन की आत्मा अवतार के साथ साथ आप काजल के साथ और सुभी शर्मा के साथ रवि किशन के कई रोमांटिक गाने भी देखने वाले हैं। सुभी शर्मा के साथ सबसे पहले रवि किशन प्यार में पड़ते हैं, फिर काजल राघवानी के साथ तो भी रवि किशन को हो जाता है प्यार। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो बेहद ही डरावने और खतरनाक है। वल जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इस फिल्म के ट्रेलर को जितने भी लोगों ने देखा है सभी ने फिल्म की तारीफ की है। अब फिल्म का इंतजार है जो 6 जुलाई को रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद आपको रवि किशन की फिल्म सन की दरोगा भी देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन बीते हैं और 23 लाख से ज्यादा लोग इस फिल्म के ट्रेलर को देख चुके हैं। तो जब इतने सारे लोगों ने देखा है, जाहिर है कि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी होंगी, लेकिन उन्हीं प्रतिक्रियाओं में से हम चुनकर लेके आए हैं उन लोगों के कमेंट जिन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी के साथ साथ डायरेक्शन की काफी ज्यादा तारीफ की है फिल्म के ट्रेलर को देखकर। तो कैसे उन्होंने अपने शब्दों को कमेंट में अपने प्यार को पिरोया है, देखें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं प्यारे प्यार प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स का, जिन लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को बेहद ज्यादा पसंद किया है। जी हाँ, आपको बता दें, पहला है हमारे पास अमित कुमार का, जिन्होंने लिखा है सुपर मूवी रवि किशन जी, वेरी वेरी नाइस। अगला कमेंट है दानिश सैफी का, जिन्होंने लिखा है आई वन्ना अप्रिशिएट दिस लास्ट सीन। ओके, अगला कमेंट है अंकित हिंदुस्तानी का, जिन्होंने लिखा है वाओ वेरी नाइस। और अगला कमेंट है हमारे पास सिंगर बाबर का, जिन्होंने लिखा है सुपर मूवी। दीपक कुमार का मैसेज है सुपर हिट। वैसे देखा जाए तो दर्शकों ने बहुत ही कम शब्दों में इस फिल्म की डिटेल्स को बयान कर दिया है। अगला कमेंट भी दीपक का ही है, जिन्होंने लिखा है सुपर हिट मूवी। अगला कमेंट हमारे पास प्रियांशु कश्यप का है, जिन्होंने लिखा है सुपर से ऊपर वाला, यानी कि ये रणवीर काफी ज्यादा ये फिल्म लगाव, इस फिल्म से लगाव हो रखा है। सत्यम का मैसेज है हमारे पास नाइस ट्रेलर, यानी कि भी देखा जाए तो इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को भी हम पसंद आया है। वहीं पर हमारे तरफ से एक और कमेंट है मौनसिहारी का, फ्रेंड एंटरटेनमेंट की तरफ से, जिन्होंने लिखा है नाइस रवि सर, यानी अगला कमेंट है हमारे पास लवली आलम का, जिन्होंने लिखा है ऑसम, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है आपका, बहुत ही प्यारा आपका इस फिल्म है और बहुत ही फिल्म का ट्रेलर भी काफी शानदार है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे दर्शकों की तरफ से ये सारे कमेंट्स जो है बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने इस फिल्म को और इस फिल्म के ट्रेलर को नापसंद या पसंद पूरे में एक बार में कमेंट के जरिए जाहिर कर दिया है। तो अब वक्त आ गया है वो कमेंट जानने का जो कांटों की तरह चुभते हैं लेकिन बहुत फायदेमंद होते हैं। ये कमेंट है अब आलोचकों के कमेंट जिन्होंने इस फिल्म में कोई ना कोई कमी निकाली है और कमी निकालते हुए कैसे निकाला है अपना गुस्सा इस फिल्म के ट्रेलर पर कमेंट के जरिए देखिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। अब समय आ चुका है नेगेटिव कमेंट्स को जानने का। आप लोगों भी टकटकी लगाए बैठे होंगे और उस फिल्म के कमेंट्स को जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार इस फिल्म पर कैसे कैसे लोगों ने कमेंट किया है। लेकिन आप लोगों की इस उत्सुकता को खत्म करते हुए हम बताना चाहेंगे कि इस फिल्म के ट्रेलर पर कोई भी नेगेटिव कमेंट या आलोचना भरे कमेंट्स आए ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग इस फिल्म को देखकर या तो डायरेक्शन में या फिर कहानी में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। इसीलिए जितने लोगों ने तारीफ की है वो भी खुलकर अपने शब्दों को बयान नहीं कर पाए हैं और आलोचना करने के लिए शायद इन दर्शकों को फिल्म में कोई कमी नहीं दिखाई दी। वाल देश बेशक से लोग को कहानी समझ ना आई हो या डायरेक्शन समझ ना आया हो, लेकिन इस फिल्म में ऐसे ऐसे कलाकार का चयन किया गया है जिनकी वजह से लोग इस फिल्म को देखने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म में सपना चौधरी का प्रमोशनल सॉन्ग। और तो और, इस फिल्म में काजल राघवानी पहली बार रवि किशन के साथ नजर आने वाली है। इसके साथ हिट्स फिल्म में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसे देखकर और सुनकर आपको पुराने दौर की भूतिया कहानियां याद आ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से रवि किशन के साथ शुभी शर्मा और काजल राघवानी का ये जो नया अंदाज है ये दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और अभी तो इस फिल्म का ट्रेलर ही रिलीज किया गया है। अब देखते हैं कि ये फिल्म के जरिए दर्शकों का कितना प्यार मिलता है इस फिल्म को, दर्शकों को कितना इंतजार रहता है इस फिल्म को। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार हमारे भोजपुरी के इन खास फिल्मों को दर्शक अपनी तरफ से कमाई के मामले में कितना प्यार देना चाहते हैं। और इसी के लिए आप सभी को सिनेमा घरों में जाने के लिए 6 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और बेशक से इतने सारे लोगों ने फिल्म की आलोचना की हो लेकिन इतने सारे लोगों ने फिल्म की तारीफ भी की है। और फिल्म हिट होती है या नहीं ये तो जब 6 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी तब पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल फिल्म के ट्रेलर को अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है और व्यूज बढ़ते ही जाएंगे। तो ये था आज नई फिल्म बेबी कंगना 2 के ट्रेलर का आईना। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और फिल्म नाम ट्रेलर गाने और किसी हस्ती का आईना लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।